नमस्कार दोस्तों, आयुर्वेद शाला में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक और नई जानकारी देते हैं। आज हम आपको एक सब्जी के बारे में जानकारी देंगे जो आपके बहुत सारे रोग को ठीक कर सकती है। आज हम आपको ग्वार फली के बारे में जानकारी दे रहे हैं। पहले ग्वार फली के बारे में आपको बताते हैं, फिर बताते हैं कि कौन से रोगों में आपको ये लेनी चाहिए जिससे आपके रोग ठीक हो सकें। दोस्तों, जैसे कि आप यह ग्वार फली का पौधा देख रहे हैं, ग्वार फली एक प्रकार की सब्जी होती है जो भारत के कई प्रदेशों में पाई जाती है। ग्वार फली का प्रयोग हरी तरकारी सब्जी के रूप में किया जाता है। यह गर्मी के मौसम की फसल है, लेकिन वर्षा ऋतु और बसंत ऋतु में इसकी खेती की जा सकती है। ग्वार फली स्वाद में मीठा, ठंडा, भारी, रूखा होता है। यह अग्नि दीपक और भूख को बढ़ाने वाली, पौष्टिक सारक और पित्त को खत्म करने वाली और कफ उत्पन्न करने वाली और पेट की गैस को बनाने वाली होती है। इसकी सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट होती है। इसे खाने से क्या नुकसान हो सकते हैं, यह भी पूरी जानकारी दे रहे हैं। ग्वार की पक्की फलियों की सब्जी अधिक मात्रा में खाने से पेट में दर्द हो सकता है, सिर में चक्कर आ सकते हैं। बच्चों को दूध पिलाने वाली माताओं को ग्वार फली की सब्जी नहीं खानी चाहिए, क्योंकि इससे बच्चों के पेट में और आंतों में मरोड़ उत्पन्न हो सकती है। गर्भवती स्त्रियों एवं वात प्रकृति वालों के लिए भी ग्वार फली की सब्जी हानिकारक हो सकती है। दोस्तों, हमने आपको ग्वार फली के बारे में जानकारी दी है। अब आपको बताते हैं कि कौन से रोग में आप इसे ले सकते हैं। दोस्तों, पहला उपाय उनके लिए है जिन्हें रतौंधी का रोग है, जिन्हें रात को नहीं दिखाई देता है। आप इसके लिए ग्वार फली के पत्ते लीजिए 200 ग्राम की मात्रा में और उसकी सब्जी बनाकर सुबह और शाम को रोज खाइए। आपकी जो रात में दिखाई देने की जो समस्या है, यह ठीक हो जाती है। रतौंधी का रोग पूरी तरह से कुछ ही समय में ठीक हो जाता है। दोस्तों, अगला उपाय उनके लिए है जिनको चोट और मोच के कारण सूजन की समस्या आ जाती है, दर्द की समस्या बन जाती है। तो आप इसके लिए ग्वार फली लीजिए और तिल लीजिए, दोनों को बराबर मात्रा में लेकर अच्छी तरह से पीस कर पानी में उस लेप को चोट और मोच के ऊपर आप लगाइए। कुछ ही दिनों में चोट और मोच में आपको आराम मिलेगा, सूजन और दर्द की जो समस्या बनी रहती है वह पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। दोस्तों, अगला उपाय उनके लिए है जिन्हें बवासीर का रोग है। आप इसके लिए ग्वार के 11 पत्ते लीजिए, हरे पत्ते होने चाहिए, 11 काली मिर्च ले लीजिए, दोनों को पानी में अच्छी तरह से मिला लीजिए, 100 ग्राम पानी में मिला लीजिए आप, और रोज़ सुबह को खाली पेट इसे लेते हैं तो बवासीर का रोग ठीक हो जाता है। यह इलाज उनके लिए नहीं है जिनको बवासीर में खून आता है, तो जिनको नॉर्मल बवासीर की बीमारी है उनके लिए बहुत ही फायदेमंद है। अगला उपाय उनके लिए है जिनको दाँत खाज खुजली की परेशानी है। आप इसके लिए ग्वार के पत्ते लीजिए और उसमें लहसुन मिला लीजिए, दोनों को अच्छी तरह से मिलाकर उस पेस्ट को दाँत के ऊपर लगाइए। कुछ ही दिनों में दाँत खाज खुजली की जो समस्या बनी रहती है वह ठीक हो जाएगी। अगला उपाय उनके लिए जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ रहता है और जिनको हृदय से संबंधित और भी अन्य बीमारियाँ हैं। आप इसके लिए 250 ग्राम की मात्रा में अगर रोज़ ग्वार की फली की सब्जी खाते हैं तो आपका कोलेस्ट्रॉल सामान्य हो जाएगा और जो दिल से संबंधित अन्य बीमारियां हैं उनमें भी आपको बहुत फायदा होगा। अगला उपाय उनके लिए जो शुगर के रोगी हैं, शुगर के रोगी को ग्वार की फली रोज खानी चाहिए, उनके लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। अगर सब्जी नहीं खा सकते तो ग्वार की फली लीजिए 100 से 200 ग्राम की मात्रा में और अच्छी तरह से पानी में उसे धोकर और उसे अच्छी तरह से चबा चबा कर खाइए। शुगर लेवल सामान्य बना रहेगा और शुगर के रोगी के लिए ये बहुत ही फायदेमंद होती है। अगला उपाय उनके लिए है जिन लोगों की पाचन क्रिया सही नहीं है, तो आप इसके लिए ग्वार की फली लीजिए 250 ग्राम की मात्रा में और उसे पानी में उबाल लीजिए, स्वाद के अनुसार उसमें काला नमक मिला लीजिए और उसको आप रोज़ सुबह को खाते हैं तो आपकी पाचन क्रिया भी सही होगी और शरीर में कोई वैसीले पदार्थ हैं तो वह भी मल के द्वारा बाहर निकल जाएंगे। अगला उपाय उनके लिए जिनका शरीर कमज़ोर है और उनके हाथ पैरों की हड्डियाँ भी कमज़ोर हैं, तो हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए और शरीर को मजबूत बनाने के लिए अगर 200 ग्राम की मात्रा में रोज़ ग्वार फली का सेवन करते हैं तो शरीर में ताकत भी आएगी और हड्डियाँ भी मजबूत होंगी। दोस्तों, आज हमने आपको ग्वार फली के बारे में जानकारी दी है। अगर आपको कोई भी सवाल हमसे पूछना है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि आपके माध्यम से हम आयुर्वेद को हर घर में पहुँचाना चाहते हैं, हर घर से रोगों को दूर करना चाहते हैं। आप हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल आयुर्वेद शाला को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आयुर्वेद शाला है आयुर्वेद की पाठशाला। नमस्कार।